नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज झूलाघाट के छात्र शुभम मेहर का राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद में चक्का क्षेपण प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर विद्यालय सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए शुभम आगामी 3 अप्रैल को देहरादून को रवाना होंगे और वहां से उत्तराखंड टीम के साथ पटना में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उनका चयन होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य JR शाह, खेल प्रशिक्षक अर्जुन कुमार, गोविंद वल्लभ भट्ट, अभिभावक संघ के अध्यक्ष दीपक केजरीवाल, व्यापारी नेता प्रमोद भट्ट ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में सौंदर्यीकरण कार्यों में मैदान को हरा भरा करने का कार्य शामिल नहीं किए जाने पर खिलाड़ियों सहित अन्य खेल प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व सभासद अनिल मेहरा ने कुमाऊं कमिश्नर को एक पत्र भेज जांच किए जाने की मांग की है। पूर्व सभासद अनिल मेहरा ने कहा कि देश को तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले इस मैदान की हालत वर्तमान में बेहद खस्ताहाल है। मैदान की मिट्टी जाने से पत्थर बाहर निकल आए हैं, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए शासन ने मैदान के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसकी निविदा भी लगा दी गई है, लेकिन निविदा में मैदान की मिट्टी बदलकर फिर से घास लगाने के कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने इस संबंध में शहरी विकास सचिव और कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जांच कराए जाने की मांग की है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पचपन वाहनी के सेनानी और व्यापारियों के मध्य झूलाघाट में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सेनानी द्वारा निर्वाचन को देखते हुए आपसी सौहार्द और तालमेल की अपील की गई। व्यापारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर अधिक सख्ती नहीं किए जाने की मांग की गई। आयोजित बैठक में सेनानी आशीष कुमार ने व्यापारियों से सहयोग करने तथा किसी तरह की समस्या होने पर उन्हें जानकारी देने को कहा। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक इजरवाल ने अंतर्राष्ट्रीय पुल पर अधिक सख्ती नहीं किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि झूलाघाट बाजार नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। व्यापारी धर्मानंद पंत ने ब्याह शादी के सीजन में सख्ती में शिथिलता की बात करते हुए सामान लाने ले जाने की छूट की मांग रखी। सेनानियों ने कहा कि व्यापारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, परंतु व्यापारियों को भी पूरा सहयोग देना होगा। बैठक में सहायक सेनानी T.C. दोरजे, थानाध्यक्ष सुरेश कम्बोज, व्यापार संघ अध्यक्ष दीपक अजरवाल, भूपेश राजू, धर्मानंद पंत, कमान सिंह खड़ायत, प्रमोद भट्ट सहित अन्य व्यापारी उपस्थित थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। मनोज जनरल स्टोर, पुस्तक व स्कूल ड्रेस विक्रेता, खड़ी गली लाइन, टकाना, पिथौरागढ़। हमारे यहां सभी पब्लिक स्कूलों की पुस्तकों सहित समस्त स्टेशनरी का सामान महासेल में 50-60% की छूट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी, लिंक रोड, पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। साइबर सेल ठगों ने एक संस्थान के निदेशक के बैंक खाते से 90,000 रुपए साफ कर दिए। निदेशक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के बैंक खाते से साइबर ठग ने 90,000 रुपए उड़ा लिए। मामले को लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि बीते 19 मार्च को उनके मोबाइल पर फर्जी SBI नेट बैंकिंग की ओर से रिवार्ड पॉइंट को कैश वाउचर में परिवर्तित करने का मैसेज आया। व्यक्ति ने एक लिंक भेजकर OTP दर्ज कराने को कहा। OTP दर्ज करने के बाद नया पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा गया। शक होने पर उन्होंने संबंधित पेज बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उनके खाते से 90,000 रुपए गायब हो गए। इधर कोतवाल जगदीश चंद्र देवपा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। देहरादून के चकसा नगर में एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर भागकर
मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पत्नी का गला घोंटकर पति ने भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के चकसाह नगर में ज्ञान प्रकाश निवासी लखीमपुर खीरी अपनी पत्नी राम बेटी के साथ किराए पर रहता था। उसके निकट ही उसके रिश्तेदार भी रहते थे। बीते दिवस ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञानी का शव हरिद्वार के लक्सर स्थित रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। महिला का शव देहरादून स्थित उसके किराए के मकान से बरामद हुआ। महिला के गले पर घोंटे जाने के निशान मिले थे। रिश्तेदार ने महिला के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि चकसाह नगर में ज्ञान प्रकाश निवासी लखीमपुर खीरी अपनी पत्नी राम बेटी के साथ किराए पर रहता था। ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञानी का शव बीते दिवस हरिद्वार के लक्सर स्थित रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई तो लक्सर पुलिस ने सूचना मृतक के परिजनों को दी। पता चला कि ज्ञानी की पत्नी राम बेटी उसके साथ नहीं थी, जिस पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने ज्ञानी के रिश्तेदारों को सूचित किया और वहां पहुंचकर देखा तो कमरा बंद था। पुलिस ने खोलकर देखा तो अंदर राम बेटी बेसुध पड़ी थी। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्ञानी के फूफा बलराम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि मृतक ज्ञानी ने बृहस्पतिवार सुबह पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर लक्सर जाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी में पता चला कि पति व पत्नी का आए दिन झगड़ा। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।